क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही, आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर सेवल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है, आप भी सुनेंगे मिस्टर जान, बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स्ट कहां पर है? मैं तो खुद जाना नहीं चाहती, पर क्या करूं, सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब गुलिस, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनी भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनम के बारे में? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है। वो उसके दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो। मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो। आई मीन मिस्टर एमरी भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर हैं। मेरा मतलब है कि आप एमरी, जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इमरे तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो हम साथ में काम कर रहे हैं, अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आया। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, समझ गए? अब उन्हें पता चलेगा। मुझे एक मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, दिया तो वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे दिया धवन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊं, सनम। मैं दिया धवन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप, सनम नाम है मेरा, सनम। सनम क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। गुलिस तुमने एमरे को देखा नहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे दिया धवन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जीजे क्या तुम यहाँ पर आ सकते? क्यों नहीं, उसने बेवकूफ बनाया देखा। दिया धवन। नहीं सनम, देखो अब इसे हर कोई देख सकता है, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई दिया धवन नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। Thank you.
तुम इंसान ही हो ना? मैं तो थक गया। 8-2, 8-2, come on, stand up। अभी तो गेम बाकी है, चलो उठो। मैंने मान लिया यार, तुम जीत गए। बस ऐसे ही मान लिया। जान यार, तुम तो मशीन हो। जिम, सेलो और खुली हवा में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। चलो अब अपनी बॉल पकड़ो और मेरे साथ स्विमिंग पे चलो। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। अरे तुम अभी भी लेटे हुए हो? पॉलिन प्लीज ऐसा मत करो यार, समझो मेरी बात को, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम ही हर बार यहां आती हो, और हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है ना, अब मैं क्या बोलूं? ठीक है फिर, रखता हूं मैं। पॉलिन सच में मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कितना बिजी हूं। ऑलराइट, ठीक है, रखता हूं। हाँ ठीक है, ओके पॉलिन, गुड नाइट, बाय बाय। पॉलिन का फोन था, उससे बात करके बहुत गलत किया। मैंने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं और फिर भी वो मुझ पर फोर्स कर रही है। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे साल में सिर्फ 3 बार मिलते हो और तुम्हें ये प्रेशर लगता है? उसे और भी ज्यादा वक्त चाहिए और मेरे पास नहीं है, कहां से दूं मैं? क्या वो डिजर्व नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती है। वैसे तुम मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो, बताओ? बहुत जल्द। बहुत जल्द? फोन पर तुमने उसका नाम सेव कर रखा है, माय लव। मैं सारी लड़कियों के नाम ऐसे ही सेव करता हूँ। आई एम श्योर तुम भी यही करते होंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरी मॉम से अभी बात हुई थी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं मिलना। वो स्विट्जरलैंड से आ रही है खास तुमसे मिलने। मेरी बात मानो, उनसे थोड़ी देर के लिए मिल लेना तुम। तो मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि वो यहां पर नहीं आए। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग जी। जी ये यहाँ क्या हो रहा है मिस्टर जान, इतनी जल्दी क्यों आ गए? बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि नया कैंपेन हमें मिलेगा या नहीं। फिक्री हकीरा? यस। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। यस, आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर अहमद, हाउ आर यू? आजकल आप हमारे ऑफिस नहीं आते? थैंक यू। ऑल राइट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कहना है, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। अल्बेट्रॉस के साथ कंपेयर कर लिया और दोनों हवा में बहुत देर तक उड़ सकते हैं और दोनों के पास ही एक जैसे विंग्स होते हैं। आई कांट बिलीव दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जान। थैंक यू सनम, बहुत अच्छी बात है। गाइस, मुझे कुछ अनाउंस करना है। आज सारे हमारे घर पर चलेंगे और सभी को मेरी तरफ से बारबेक्यू पार्टी। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अब जल्दी से अपना काम खत्म करो। ऑलराइट,
See you guys. Bye. Yo. Aylin. Congratulations. तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे ना? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अपने भाई के साथ था। तुम्हारे भाई को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आइलिन, ये सब में मैं फंस सकता हूँ, बात को समझो प्लीज। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? वाओ। आइलिन, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, प्लीज अपना दिमाग थोड़ा शांत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। एमरे फोन मत रखना। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? नहीं आ सकता। क्यों? मैं ऑफिस में हूँ और मेरे भाई को शक हो सकता है। ओके, जाओ और हमेशा की तरह अपने भाई की परछाई बनकर रहो। आइलिन, अभी मुझे जाना होगा। तुम पछताओगे एमरे। Disgusting. डरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुक बुक इज वेरी गुड। हाँ, हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छा काम किया। अरे ये गुलिस का फोन हमेशा बिजी रहता है क्या? हाँ, वो पूरी दुनिया को हमारे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में गुड न्यूज दे रही होगी। मिस्टर जान, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों मिलकर उस बुक पर साथ में काम कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, चाहे तो प्रीवियस बुक्स भी रख सकते हैं। मैंने कुछ ओल्ड कॉपीज मंगवा लिए हैं। ठीक है, फिर हम इस प्रोजेक्ट पर कल काम करेंगे। ओके। यस, ये बहुत मजा आएगा। हाँ, भाई मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और सबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी। क्या स्वीट लग रही हो तुम? अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस डेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे सबनम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे है सर? हेलो 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 मिस्टर जान। हेलो सनम। सब बढ़िया? बहुत ही बढ़िया। जान, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल, मुझे तो इस काम में मजा आता है, बारबेक्यू मेरा पैशन है। और टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकती हो। नहीं कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है, प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये तो तैयार है। हाँ, इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहां जाओ और एंजॉय करो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गुलिस, तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ हम बाद में जरूर बात करेंगे। सी यू। मजे कर रहे हो ना? हाँ क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला really? है। हाउ नाइस। टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बेट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती।
क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना, तुम्हें अल्बर्ट रॉस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बर्ट रॉस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है द मैन? नहीं, अल्बर्ट रॉस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। पार्टी कैसी लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं, प्लीज चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? वाटर पोलो खेलता था शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डेरन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तो तुम क्या बैठना चाहोगी? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना साथ में पीते हैं। और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? My dear bosses and friends, मेरा talented दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर, जो आप सबका entertainment करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। So guys, please enjoy. क्या हमें दो कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? क्या पेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी? मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए, आराम से। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अभी है। Kalbinden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur. Gitme, şehir çok bozulur. Aapne jaise bula tha, maine waise hi kiya tha. Maine gadbad kar di, wo project Mr. Jan ko mil gaya. Tumse jitna ho saka tumne kiya Sanem.
मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, पर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता, लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए काम कर देगा। सनम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनम, आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। सनम, आर यू ओके? सनम कम। मैंने कहा था आपको, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती, और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं, मैं ये सब कैसे करूंगी? रूम में जाओ, ठीक है? वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट। मिस डेरन, आप एक काम कीजिए, यहां पर लेट जाइए। हाँ, कॉफी में आपको ला के देता हूँ, हाँ ठीक है? आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? तो बहुत आ रहा है, वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूं, मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। हां मिस्टर जान। हां रफत भाई, डेरन कैसी है अब? हां वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। क्या आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हां ठीक है ठीक है, एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो नो, माय प्लेजर। अरे नहीं फिर से। सनम, तुम यहां पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था, लेकिन मैं गलती से यहां आ गई। अच्छा, तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी, इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी? ये ज्यादा हो गया, आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो, आखिर चल क्या रहा है? रियली, मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम, ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ।
मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गए? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली, मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो ओपन मोबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपरली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है, तुम रूल्स तोड़ रही हो, हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? मेरी रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है, आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, जा रहा हूं मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? थैंक यू, बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय, सी यू सून। हे, व्हाट्स अप, वेलकम भाई। क्या हाल है? तुमने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया भी नहीं। क्योंकि ये पार्टी स्टाफ के लिए थी, आ जाओ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने वाला ये बंदा क्या तुम्हारी कंपनी का लॉयर नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे मैं जाए? हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आओ बैठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया? ये रहा, इसकी कंडीशन हाँ। थोड़ी भारी है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। और हाँ, अर्जुन टॉस मॉडल है। नॉनसेंस, लाओ दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब तुम्हारे भाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया? नहीं बताया। अर्जुटस अब एक ब्रांड बन गई है, ये वही मॉडल है जिसके साथ लास्ट ईयर तुमने काम किया था, और अगर उसने ये साइन कर दिया तो ये सारे एड कैंपेन्स हमको मिलेंगे और सब पर हमारा ब्रांड होगा। आई नो, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, हम बाद में साथ में चेक कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती है, अगर हम उसे कन्विंस कर ले तो 2-3 साल तक वो हमारे साथ रहेगी। ओह ग्रेट। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? कैन, सॉरी, शायद वो अल्कोहल और गर्मी के वजह से ये सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से चेक कर लूंगा। तुम आरजू से ये कह दो कि हमें उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, और ये कहने के बाद आई एम श्योर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगी, वैसे भी वो हमारे साथ काम करना चाहती है। ओके, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। जे, क्या तुम डेरेन को घर ड्रॉप कर दोगे? ग्रेट, देन सी यू गाइस। ठीक है, बाद में मिलते हैं। See you, Mr. Imre. Meet him. See you, please. See you. Yeah, it's nice to see you too. See you, Mr. Menon. मिलते हैं। आज मैंने क्या क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जे, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने कुछ ऐसी हरकतें की है जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, और तुमने की, यही सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम अभी तक नाराज हो? यार, मैं डेरेन को बहुत पसंद करता हूँ। जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। एमरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गुड, और तुम्हारा? सब ठीक है ना? एक्सक्यूज, मैं भी आया। कुछ तो है इसके साथ, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो, तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोर तो सही। तो आर यू ड्रेस्ड? हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम, तुम कहीं नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? थैंक यू, बाय। Ah.
चल क्या रहा है जान? मतलब क्या तुम्हारा? ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे आज रात को पता ही चल जाएगा। जाके मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओगे जरा प्लीज? तुम भी कमाल हो यार, ड्रिंक वहीं पर है, जाओ अपने लिए एक ड्रिंक बना लो, गो। मुझे पता चल जाएगा वैसे, हाँ बता दूं मैं तुम्हें।